हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। इस वीडियो में हम हाथी से जुड़ी जानकारियां प्राप्त करेंगे। हाथी मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बड़े मैदानों में पाए जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले सभी जीवों में हाथी सबसे विशाल प्राणी होता है। वर्तमान में हाथी की केवल दो ही प्रजातियां पाई जाती हैं, एक एलिफस और दूसरा लॉक्सोडोंटा। एलिफस एशिया में पाया जाता है जबकि लॉक्सोडोंटा अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। एशियन हाथी का अधिकतम वजन 4500 किलो तथा ऊंचाई 2.8 मीटर तक की होती है। अफ्रीकन हाथी का अधिकतम वजन 6000 किलो व ऊंचाई 3.2 मीटर तक होती है। हाथी की एक अन्य प्रजाति मैमथ थी, लेकिन यह अब विलुप्त हो चुकी है। सन 2000 तक इस प्रजाति की हाथी ने अपने अस्तित्व को खो दिया। विश्व भर में पाए गए हाथियों के जीवाश्म से पता चलता है कि लगभग 5 करोड़ साल पहले तक हाथी के 170 से अधिक प्रजातियां मौजूद थीं। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं, इस कारण से थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। एक हाथीनी का गर्भकाल 22 महीनों का होता है। जन्म के समय हाथियों का वजन लगभग 120 किलोग्राम तक हो सकता है। हाथी के बच्चे जन्म के 20 मिनट के भीतर ही अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और 1 घंटे के अंदर वह चलने लगते हैं। सामान्यतया हाथी का औसत आयु 70 वर्षों का होता है। आपने हाथी के दो बड़े हुए दांत देखे होंगे जो बाहर से दिखाई देते हैं, जिसे गजदंत या टस्क कहा जाता है। एक हाथी जब लगभग 2 वर्ष का हो जाता है तब यह दांत बाहर आ जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ इनके गजदंत भी बढ़ते हैं, जिसका इस्तेमाल ये पेड़ों की छाल उतारने, जड़ों को खोदने, खुद की सुरक्षा करने के लिए करते हैं। लेकिन इन्हीं दांतों की वजह से इनका शिकार भी किया जाता है। हाथियों को रोजाना 300 किलोग्राम तक भोजन व 150 किलोग्राम तक पानी की आवश्यकता होती है। हाथी की स्मृति शक्ति डॉल्फिन के ही समान तेज होती है। हाथी की स्मृति से जुड़ा दिमाग का हिस्सा टेम्पोरल लोब मनुष्यों की तुलना में बड़ा और सघन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि हाथी कभी कुछ नहीं भूलते और अक्सर याददाश्त के लिए हाथी के ही कहावत कहे जाते हैं। हाथी के दिमाग का वजन 5 किलो तक हो सकता है, जो कि किसी भी दूसरे जानवर के दिमाग के वजन से कहीं ज़्यादा है। हाथी एक दिन में अधिकतम 4 घंटे तक सोता है। यह लेट कर व खड़े होकर दोनों तरीके से सो सकता है, लेकिन अधिकतर हाथी खड़े खड़े ही सोते हैं क्योंकि उनके लिए हिलना डुलना काफ़ी आसान होता है। हाथियों के दांत बहुमूल्य होते हैं, जिस कारण से इनका शिकार भी किया जाता है। जंगल में होने वाले कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण भी हाथी जंगल से बाहर निकलने लगते हैं। कई हाथी तो रेलगाड़ियों की चपेट में आ जाते हैं। कुछ हाथी भोजन और पानी की तलाश में रहायशी इलाकों में भी पहुँच जाते हैं। इसीलिए हाथी का संरक्षण काफ़ी ज़रूरी है। आपको बता दें कि हाथी दांत के लिए लगभग एक दिन में 100 हाथियों की हत्या कर दी जाती है। हाथियों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2012 से हुई। विश्व में सर्वाधिक हाथी लाओस में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक हाथियाँ कर्नाटका, असम और केरल में पाए जाते हैं। भारत में कुछ राष्ट्रीय उद्यान जैसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में एलिफेंट सफारी मौजूद है।